नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और हम इस समय जो हैं यहाँ पर जीएमसी में मौजूद हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग एरिया में गाड़ी को इस बढ़ती गर्मी की वजह से जो है आग लग चुकी है, और इस समय जो है फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में पूरा दमकल जो है मौजूद है यहाँ पर आग बुझाने के लिए। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय जीएमसी के पार्किंग एरिया से दिखा रही है, जहां पर थोड़ी ही देर पहले यहां पर गाड़ी को जो है आग लग गई, और ऐसे में अब जो है फायर ब्रिगेड उन्हें यहां पर बुलाया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग की वजह से जो है फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी को आने में काफी विलंब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पेशेंट और इंटर्न्स या डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की अगर बात करें, तो वहाँ पर पार्किंग एरियाज में गाड़ी पार्क करने की बजाय जो है वो बाहर की पार्क कर दिया जाता है। और जिसके कारण अगर आपको सीधे तस्वीर दिखाएं वहां से, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से गाड़ी जो है फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी वहां पर स्टक हो चुकी है, और यहां पर पहुंच पाना उसके लिए काफी मुश्किल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ना पहुंच पाने से अब जो लोग हैं यहाँ पर आसपास रहने वाले, वो बाल्टियों में पानी भरकर जो है इस गाड़ी के ऊपर फेंक रहे हैं, और पूरी तरह से गाड़ी आग को जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है हम आपको सीधी तस्वीरें जीएमसी के पार्किंग एरिया से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है एक गाड़ी को जो है आग ने पकड़ लिया गया है, और ऐसे में अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां तक तो नहीं पहुंच पाई ये, लेकिन यहां पर उन्होंने अपने पाइप्स के माध्यम से अब जो है आग को बुझाने का पूरा काम कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम यहां से दिखाते हुए जेएमसी के बाहर से, जहां पर कुछ ही देर पहले ये हादसा पेश आया है, और जिस तरह से गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, गर्मी बहुत अपना भीषण रूप दिखा रही है, और ऐसे में गाड़ी को इस बढ़ती गर्मी के कारण जो है आग ने पकड़ लिया। और लोग अभी यहां पर कोई जानो माल का नुकसान नहीं देखने को नजर आया, लेकिन जिस तरह से आग पकड़ी है और फायर ब्रिगेड की टीम अब जो है दमखल के साथ यहां पर पहुंच गई है, और यहां पर अब जो है और आग की बात करते हैं, अब जो है टीम यहां पर पहुंच चुकी है और आग पर जो है काबू पाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें आपको ग्रेटर जम्मू के माध्यम से दिखाते हुए ये अभी जो है, और लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो लूप होल है जो देखने को नजर आया है कि रॉन्ग पार्किंग की वजह से जो है फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी जो है मौके पर नहीं पहुंच पाई, और ऐसे में इस आग को बुझाने के लिए लोग जो है वो बाल्टियों में पानी भरकर इस आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए जेएमसी की, जहां पर पार्किंग एरिया में जो है एक गाड़ी को आग ने पकड़ लिया, और ऐसे में जो है अब इस आग को काबू पाने के लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको ग्रेटर जम्मू के माध्यम से दिखाते हुए जेएमसी के पार्किंग एरिया से, जहां पर अब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और पूरे दमखल के साथ जो है इस आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन अगर आपको बताएं तो किसी भी जानो माल का नुकसान यहां पर देखने को नजर नहीं आया, और जिस तरह से इस समय आप धुआं देख रहे हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है आग कितनी भीषण होगी। क्या रीजन रहा, कैसे लगी आग? बुझाने आए ऊपर से। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग भी इस समय काफी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर, और ऐसे में जहाँ पर आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और लेकिन फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो स्टक होने के कारण जो है फायर ब्रिगेड आगे तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा की हुई है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की जो बस है उसे आगे आने में बड़ी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग, उन्होंने बाल्टी में पानी भर भर कर इस आग को काबू पाने का पूरा प्रयास किया गया, और फिलहाल उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में जो है फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंच गई।
और अब जो है यहाँ पर आग को काबू पा लिया गया है और किसी भी जानो माल का नुकसान जो है वो यहाँ पर आज नहीं देखने को नजर आया। और पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जो कोई भी नुकसान हुआ है, आपको कैसे पता चला? हम लोग गांव में हैं, यहाँ मोहल्ला है, मेरे नाम राधा रानी है, हम डिहाली लगाने आए हैं झारखंड से। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बाल्टियों की मदद से जो है पानी इस गाड़ी पर फेंका गया और ये यहाँ पर मौजूद थे जब सबको बोले थे कि देखो आग लग गया है, सब पूरे मोहल्ला का आदमी उठ गया है कि देखो कैसे आग लगा हुआ है। हम लोग थाली धोने के लिए खा करके ढाल लगा करके थाली धो करके देखते हैं कि आग लगा हुआ है, तो हम लोग सब अब अपना अपना घर से रूम से लेकर के डब्बा लेकर के निकले, कुछ रहा हुआ उसका बाद गाड़ी आ गया। जैसे आपने देखा यहाँ पर जो यहाँ पर लेबर काम कर रही है उन्हें जब इस हादसे के बारे में पता चला तो अपनी अपनी बाल्टियों में पानी भरकर इस आग को पहुँचाने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा लूप होल जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि रॉन्ग पार्किंग की वजह से फायर ब्रिगेड को यहाँ पर पहुँचना मुश्किल था और ऐसे में जो यहाँ पर लोग लेबर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे वो यहाँ पर पहुँचे और बाल्टियों में पानी भर भर कर इस आग को पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब टीम यहाँ पर पहुँची फायर एंड एमरजेंसी टीम तो अब उन्होंने आग पर लगभग 90% काबू पा लिया है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं हिस्सों में आग लगी है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इस पर काबू पा लिया जा सके। और आपको ये भी बता दें ये जो गाड़ी है यहाँ पर जिसमें आग लगी है बहुत ही पुरानी गाड़ी है जो काफी टाइम से यहाँ पर खराब पड़ी हुई थी, जिसमें जिस तरह से बढ़ती गर्मी है और ऐसे बढ़ती गर्मी में ये उस गर्मी का शिकार हुई और इसमें आग लग गई। और लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस समय यहाँ पर जो है सर आपसे भी जानेंगे ये आग लगी कैसे? इसकी मेरे को भी जानकारी है। तो आपको कैसे पता चला? हम मर्चरी में खड़े थे, वहाँ बाड़ी को वहाँ से लिखा धुआं निकल रहा है। अच्छा। तो जब जहाँ पे आए हैं तो देखा था यहाँ पे गाड़ी पे आग लगी है, लिफ्ट लगी है, फिर हमने कुछ लेबर खड़ी थी, कुछ हमारे सिक्योरिटी वाले बुलाए और जिसको हमने आग बुझाने की कोशिश की, काफी सारी आग हमने बुझा ही दी थी, तो अभी तो ये फायर वाले आ गए। यहाँ पर मैंने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आगे आने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे गाड़ी लगी थी, क्या पता अचानक ये क्या हो जाना है, मुझे ये गेट हमारा खुला था, ये आने अगर इधर से गाड़ी आती तो प्रॉपर गाड़ी यहाँ पे आ जाती थी इस गेट से। तो आपने देखा यहाँ पर जो है अभी 90% जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है कुछ जगहों पर जो है आग लगी हुई है और ऐसे में फायर इमरजेंसी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काबू पाया जा सके। और आप अगर देख सकते हैं ये पुरानी गाड़ियां हैं और अगर आप पीछे का मंजर देखें तो पीछे जो है ट्रांसफार्मर्स भी लगे हुए हैं। और लगभग अब पूरा जो है आग पर काबू पा लिया गया है। तो यहाँ पर जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष भी पहुँच चुके हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। बहुत हेल्प करें, गाड़ियाँ वहाँ से आए वहाँ से बाहर चली जाए और पार्किंग की प्रॉब्लम तो है ही है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो शेड हमने तोड़वाने हैं ताकि ये रोड वाइडन हो जाए, हमारी पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आज ये आपके फाइटर ही कहेंगे जो ये भैया जो पीछे आए ना, इन्होंने अपनी जान पर सबने खेला। डेफिनेटली देखिए कल का हम देख रहे हैं जो हमारे स्टाफ है, मैं क्लास डिफ्रेंशिएशन नहीं करता हूँ, डॉक्टर पैरामेडिक्स हमारे एनओस पोर्टर सब बराबर हैं, जिस ढंग से कल से काम किया है मैं फुल्ली अप्रिशिएट करूँ। कैसे आपने देखा कैसे पेशेंट हाथों हाथ हम ट्रॉलियों पे लेके सही जगह पे पहुँचा रहे थे, किसी ने ये नहीं देखा कि उसका क्या काम है, बड़ा छोटा नहीं देखा, हर एक बंद अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहा था। रॉन्ग पार्किंग की वजह से अभी भी देखा जा रहा है कि गाड़ी पीछे ही मत कहिएगा, जगह कमी है, जगह की कमी है, रॉन्ग लफ्ज मत कीजिएगा, वी आर शॉर्ट ऑफ स्पेस। लेकिन देखिए हमारे टीम सब बैठे हैं, अगर ये जो मान ले मेडिकल कॉलेज 50 साल पहले बड़ा था, हर जगह अब हर सिटी में ये
तो जिस तरह से देखा आपने यहाँ पर जेएमसी में एक पुरानी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग एरिया में आग लगी और अब जो है टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और इस आग पर पूरा काबू पा लिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता भी मौजूद थे। उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है।